शुरू से हमने सुना हुआ है, किस किस ने सुना हुआ सच बताओ। हमारे यहाँ पे अलॉसमेंट ये होती है, आलू के परोठे खाओ दही के साथ, फिर वो डालो। यार कोई लड़ने वाली बात हो ना, और ये हम शुरू से जिस दिन वोट होती है उस दिन जाते आलू के परोठे खा के जाते हैं। और इन्होंने बना लिया जी सुबह सुबह पोहे। आपके उधर क्या खाते थे पहले बताओ, जिस दिन वोट होती थी? नहीं वो क्या आप खाने के लिए बोलते थे? कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे ना स्पेशल। हमारे इधर बोलते आलू के परोठे नहा धो के भगवान का नाम लेके आलू के परोठे खा के फिर जाना वोट डालने। तो दूसरे से पूछ तो सकते हो ना कि आज क्या बना है, तुमने बना लिया ये। आज वोट डालने दिन स्पेशल आलू के परोठे ही बनते हैं, दही के साथ आलू के परोठे खाने फिर वोट डालनी है। वेलकम टू राजतिवारी ब्लॉग। तो गाइस बहुत ही ज्यादा मूड खराब है, सुबह सुबह आज आलू के परोठे खा के जाते थे दही के साथ, फिर डाल ली थी वोट। शुरू से हमने सुना हुआ है, किस किस ने सुना हुआ सच बताओ। हमारे यहाँ पे अलॉसमेंट ये होती है, आलू के परोठे खाओ दही के साथ फिर वोट डालो, फिर अपना कैंडिडेट चुनिए और जाके वोट डालिए। और आज है वोट का दिन 1 जून, और 21 जून होता है सबसे बड़ा दिन जिस दिन गर्मी होती है। उसके अभी थोड़ी देर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे मौसम ठीक हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अभी हो चुके हैं दिन के 12 बजने वाले, और मैं जस्ट अभी सो के उठाऊँ आँखें क्योंकि अभी सर्च करने के लिए होंगी भाई। फाइनली अभी निकलेंगे थोड़ी देर में वोट डालने के लिए, फिर आपको दिखाएंगे रास्ते में क्या कुछ चल रहा है। बाकी पूजा बैठ रहे ना, आज बनाए पोहे, वो हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन हाँ शुरू से सुना जरूर है कि आलू के परोठे खा के जब मैं उसको छीड़ रहा था। बाकी चलिए चलते और अभी पहले ब्रेकफास्ट करते फिर निकलेंगे वोट डालने के लिए। बोले थे ना आलू के परोठे, आलू के परोठे, अभी वही सबसे ज्यादा पोहे खा रहे हैं। वाह बेटा, अब मतलब ब्रेकफास्ट भी ना करे, जो मेरा वही करना पड़ेगा ना। लेकिन गलती तेरी मम्मी की, आज के दिन आलू के परोठे बनते शुरू से, कि जिस दिन आलू के परोठे वोटिंग होगी उससे पहले दही के साथ आलू के परोठे खाओ फिर जाओ। नहीं ऐसे दोनों होते, आलू के परोठे गर्मी में कौन खाता, कोई भी नहीं खाता। वोटिंग वाले दिन बनते स्पेशल आलू के परोठे, सबको पता है पंजाब में पोहा सबसे ज्यादा अच्छा होता है, पोहे को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं और अभी यही ज्यादा खा रहे हैं। नहीं ये तो ब्रेकफास्ट तो करना पड़ेगा ना। मैं भी खाऊंगी एक चम्मच। खा लो, टेस्टी बनाए। माता श्री आज माता श्री सुनने को मिला। माता श्री क्या कर रहे हैं आप? चाय बना रहे बेटा, और काम क्या? चाय बन रहा है, चाय गर्मियों में, चाय गर्मियों में चाय बन रही है, चाय चावल जल गए। पोहे अच्छे बनाए आपने, मेरे को अच्छे लगते हैं वैसे भी। अब खाओ फिर, और खाओ। अब क्या पापा के लिए चाय बना रहे हो गर्मी में? पापा तो गर्मी में 4 चाय पी सकते। चार क्या, 4 से भी ज्यादा पी सकता है। तो गाइस फाइनली निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए, मैं और पूजा बिल्कुल रेडी है। स्पेशल बोल रहा था कि ना आप कोई भी फोन वगैरह नहीं लेके जा सकते हो, तो इसलिए एक एक करके जाएंगे, बाकी दोस्तों के लिए भाई। फाइनली हमारी होगी वोटिंग, अभी सबसे गर्म बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। जब मेरा नंबर लगाया ना तो मैंने देखा उन्होंने जो टिक लगाया ना 171 पे टिक लगाया था कि मैं 171 नंबर पर पहुंचा। हमारे शायद एरिया का साहब है, जो भी ब्लॉक का साहब है, तो इतनी वोट अभी तक पड़ी है, दिन के बच चुका है एक, शाम को शायद वोटिंग पड़ेगी क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। और वोट वगैरह हम कराएँ तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, कि चलो ठीक है यार आज आपको छुट्टी भी मिली हुई थी कि चलो आप वोट डालिए, तो वोट डालना चलो था तो कराएँ काम, अब आराम से रेस्ट वेस्ट करते हैं और बाकी आपको शाम को मिलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। फाइनली अभी आती है लस्सी पी लिए, पूजा बैठ का गिलास देख लो, जब लिपस्टिक लगी है ये मेरा, इसमें नहीं लगी है। वाह वाह बेटा, लिपस्टिक लगाओ तुम लोग, और चलो एक रील्स बनाते प्यारी सी, और रील्स आपको लिपस्टिक लगा गिलास में से। ओ ये तो बात सकती है।
तो गाइस अभी बनने लगी एक रील्स बहुत ही प्यारी सी, और रील्स आपको देखनी है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए देखिए कैसी बनी है। जब तक आप ये वीडियो है तब तक वो डाल दिए। और गाना पता कौन सा है, तू ना मिली तो मर जाऊंगा सनम, बहुत ही प्यारी एक्टिंग करने वाले। अभी हम स्टार्टिंग करने लगे, चलो करते शुरू। चले बना रहे हो प्लीज सब चीज़ें, बाकी एक्टिंग मैंने इसको सिखा दी है पूरी। ओ हेलो, हाँ एक्टिंग मुझे ऐसे सिखाई है कि मेरे से ज्यादा मत करना, सलमान खान से ज्यादा एक्टर नहीं। सलमान खान से कोई ऊपर नहीं भाई एक्टिंग में, क्योंकि हम सिर्फ एक को ही फॉलो करते हैं, ज्यादा को नहीं फॉलो करते। कई बार मैंने शो में देखा ना, जिसको देखते हैं ना सभी को बोल देंगे यार आप मेरे, मैं आपका फैन हूँ जी, आप मेरे वो हो ये हो, क्या मेरा ऐसा नहीं है। मेरे को शुरू से मैंने अगर, क्योंकि सलमान खान को इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी वगैरह मुझे अच्छी लगती थी, मैंने शुरू से जब एक्टर आई ना फॉलो किया था, तब से एक ही एक्टर है बस। और बाहर के मुल्कों में देखा तो आर्नोल्ड साहब, बस खत्म। तो भाई इवनिंग का टाइम है, चलते हैं मंदिर, काफ़ी दिन हो गए, मैंने बोला था पिछले ब्लॉग में मैंने जाना है शिवपुरी, लेकिन जा लो 3-4 दिन पहले का प्लान था, लेकिन आ जाएंगे भगवान जी के दर्शन करके आपको भी। भाई फाइनली पहुंच चुके शिवपुरी, बाकी ना यहाँ पे आते आते ना आपको थोड़ी हवा हुआ मिली है, इतनी ज़्यादा गर्मी है सुबह से, लेकिन अभी शाम को थोड़ा सा हवा चल रही है, मेरे को लग रहा बारिश वारिश भी होगी शायद, बादल वादल बन रहे हैं, तो अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। फाइनली भगवान जी के दर्शन कर लिए, आपको भी दर्शन करा दिए, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे ना शायद मोर भी आया हुआ आज, तो आ गया थोड़ी थोड़ी देर पहले, उसकी मौसम थोड़ा सा बन रहा है बादल वाला, शायद बारिश वारिश हो जाए। भाई देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, देख रहे हो कितनी तेज़ पत्ते हिल, देखो आप मौसम हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। घर जाते जाते मैं रुक गया हूँ, क्या बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया, अचानक मौसम और लाइट चली गई। फाइनली पहुंच चुके हैं घर, बाहर बारिश वारिश का मौसम बना हुआ है, शायद बारिश वारिश भी हो। आज पूरे दिन इलेक्शन का दिन था ना, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए भगवान ने थोड़ा ठंडा कर दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय। बाकी आकृति को लग रहा है मैंने इसको देखा नहीं, मैंने आपको देख लिया था बेटा।